जोकोविच ने विंबलडन 2022 का खिताब जीत लिया है। रविवार 10 जुलाई को खेले गए फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किरियोस को हराकर इस ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा किया। जोकोविच ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले इस ग्रैंड स्लैम का खिताब सातवीं बार जीता है। फाइनल मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। पहले सेट में किरियोस ने बाजी मारी, लेकिन इसके बाद जोकोविच ने लगातार 3 सेट जीतकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस फाइनल मुकाबले में हार जीत से ज्यादा चर्चा जोकोविच और किरियोस के बीच की दोस्ती ने बटोरी, और ये दोस्ती ज्यादा पुरानी भी नहीं थी, बल्कि वो इस फाइनल मुकाबले से कुछ महीने पहले ही हुई थी। मैच से पहले जिस तरह से दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की बड़ाई कर रहे थे, वो टेनिस फैंस के लिए हजम कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ महीने पहले तक ही ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को लेकर जहर उगलते थे, और इनकी बातें सुनकर लगता था कि कोर्ट पर आमने सामने आते ही ये कहीं टेनिस की जगह कुश्ती ना खेलने लगे। किरियोस ने साल 2019 में जोकोविच पर निशाना साधते हुए कहा था, जोकोविच रोजर फेडरर की तरह लोकप्रियता पाने को बेताब रहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें भी फेडरर की तरह पसंद करें। वहीं साल 2020 में जोकोविच के US ओपन से डिस्क्वालीफाई होने के बाद किरियोस ने कहा था, जोकोविच की जगह अगर मैंने ये हरकत की होती तो मुझे कई साल के लिए बैन कर दिया जाता। वहीं जोकोविच ने साल 2021 में किरियोस को लेकर कहा था, वो काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर मेरे मन में उनके लिए ज़्यादा इज्जत नहीं है। इसके अलावा भी कई मौक़ों पर दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर निशाना साधा था। ऐसा लगा था कि इन दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती कभी संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह से विंबलडन फाइनल से एक दिन पहले और उसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की तारीफ की, उससे सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जोकोविच ने तो किरियोस के साथ डिनर पर जाने तक का वादा कर दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने फाइनल मैच से पहले शर्त भी लगाई थी कि जीतने वाला खिलाड़ी डिनर का आयोजन करेगा। जोकोविच ने मैच के बाद कहा, हम दोनों के बीच कोर्ट के बाहर भी एक बेहतरीन रिश्ते की शुरुआत हुई है। मैंने उनके नाइट क्लब के निमंत्रण का जवाब नहीं दिया क्योंकि यहाँ मेरे साथ मेरी पत्नी भी बैठी है। पहले हम डिनर के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये आज रात ही होगा या किसी और दिन। वहीं किरियोस ने मैच के बाद जोकोविच को लेकर कहा कि वो भगवान की तरह है। किरियोस ने कहा, मैं झूठ नहीं कहूँगा, वो भगवान की तरह है। यहाँ से हम लोग की दोस्ती की एक नई शुरुआत हुई है, जो मेरे लिए भी थोड़ी सी अजीब बात है। जोकोविच ने फाइनल में शानदार टेनिस खेलने वाले ऑस्ट्रेलिया के निक किरियोस को 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 से हराया। जोकोविच के करियर का ये 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वो अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने के मामले में राफेल नडाल से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। वहीं वो इस मामले में रोजर फेडरर से एक कदम आगे निकल चुके हैं। जोकोविच ने 7 बार विंबलडन के अलावा 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 बार फ्रेंच ओपन और 3 बार US ओपन अपने नाम किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी रवि राज ने। मैंने हारिका यादव। स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।